और शराब घोटाले में कल देर रात ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी अरविंद केजरीवाल के लिए रिमांड चाहेगी। वहीं केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर फौरन सुनवाई की मांग की है। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा, यानी अब से कुछ देर बाद सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। उधर केजरीवाल ने अभी तक दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो कल जिस तरह से 7 बजे के बाद हलचल तेज हुई थी, ईडी की टीम पहुंची थी 10वें समन के साथ, फिर पूछताछ हुई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली गई। बताया जा रहा था देर रात ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी और उस मामले पर सुनवाई करेगी, लेकिन जब कल रात में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी तरह की सुनवाई की तारीख नहीं बताई गई, टाइम नहीं बताया गया, तो आज 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में पेश किया जाएगा। और इस पूरे मामले पर अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। शराब घोटाला केस में गिरफ्तारी हुई है, पहले से अगर हम बात की जाए तो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से ही इस वक्त जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो गई है। आज ईडी भी पूछताछ अपनी करने वाली है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से फोन पर बातचीत की है और भरोसा दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में उनके साथ है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आज राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात भी कर सकते हैं और कानूनी मदद का भी भरोसा देंगे। अब देखना होगा कि अब से कुछ देर पहले जब गोपाल राय पहुंचे थे मिलने अरविंद केजरीवाल से, तब उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया था। अब देखना होगा कि आज अगर राहुल गांधी मिलने पहुंचते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। लेकिन बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अरविंद केजरीवाल के परिवार से राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की है, भरोसा दिया है कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में उनके साथ है। साथ ही साथ खबर यह भी मिल रही है कि आज राहुल गांधी केजरीवाल से मिलने जा सकते हैं उनके परिवार से, और कानूनी मदद का भी भरोसा देने की बात सामने आ रही है राहुल की तरफ से। और अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में मुकाबला भले ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच हो, लेकिन चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन अब टुकड़ों टुकड़ों में बट चुकी है, क्योंकि सिर्फ सीट पर बढ़े तनाव के बाद अखिलेश यादव अपना दल कमीरावादी से भी गठबंधन तोड़ चुके हैं। बाईस का गठबंधन था 24 में नहीं। जिस चुनाव में अखिलेश अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन में नई जान भर रहे थे, वो गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बिखर चुका है। और एक सीट की डिमांड के चलते अपना दल कमेरावादी से भी अखिलेश यादव का मोह भंग हो चुका है, इसलिए उन्होंने खुद गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता हो उन्हें चलाइए। ये मैंने आपसे कहा ना कि हमारे साथ असली लोक दल है। अपना दल कमेरावादी से गठबंधन तोड़ने के वक्त भले ही अखिलेश यादव के चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन ये हंसी दिखावटी है, क्योंकि एक दिन पहले जो कहानी पल्लवी पटेल ने कही, उसके पीछे ही गठबंधन टूटने की बड़ी वजह छिपी है। पल्लवी पटेल ने कहा था वो यूपी की 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा गठबंधन 2022 के लिए ही था। पल्लवी पटेल ने फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीट की डिमांड की, तो उसी दिन अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से राजेंद्र बिंद को प्रत्याशी बना दिया। जब पल्लवी ने कहा टिकट नहीं मिला तो खुद लड़ेंगे, अखिलेश ने कह दिया तो फिर आज से गठबंधन खत्म। यानी अखिलेश यादव चौधरी के बाद अब पटेल से दूरी बना चुके हैं, जो इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कुछ हफ्ते पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी सपा से अपना गठबंधन खत्म कर भाजपा के साथ हो लिए, और आज पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से गठबंधन खत्म होने का ऐलान खुद अखिलेश यादव ने कर दिया।
महान दल के नेता केशव देव मौर्य भी अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ कोई साझेदारी फिलहाल 2024 में दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय कांग्रेस को छोड़कर। जब से गठन हुआ तभी से ठीक नहीं है, बिना विचारधारा के, बिना लक्ष्य को लेकर के जब कोई गठबंधन बनता है, बिना विजन के गठबंधन बनता है, परिवारवादियों को बचाने के लिए गठबंधन बनता है तो टूटता ही है, क्योंकि ये गठबंधन देश के विकास के लिए नहीं है, ये गठबंधन अपने परिवारों को बचाने के लिए है। और अभी तो और देखते जाइएगा, मुसलमानों की दुश्मन है और दलितों की दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहते कि पिछड़ों से लीडरशिप पैदा हो, अनुसूचित जाति जनजाति के बीच से लीडरशिप पैदा हो और अल्पसंख्यक समाज से लीडरशिप पैदा हो, ये कभी नहीं चाहते हैं। इसी के शिकार पल्लवी पटेल जी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, उन्हीं के शिकार बहुजन समाज पार्टी भी है, उन्हीं के शिकार 2022 में आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद वो भी उन्हीं के शिकार हैं। अब विपक्ष के टूटते गठबंधन पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है, यानी पहले मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, फिर जयंत चौधरी का साथ छूटा, तो अब पल्लवी पटेल ने भी सियासी खेल कर दिया। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए 24 की राह आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।